हेलो फ्रेंड्स, पैटर्न सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं पैटर्न नंबर 77। तो उसके लिए सबसे पहले हम CLR SCR स्टेटमेंट लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट CL स्टेटमेंट लिख देते हैं। अभी पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर टोटल 5 रोज है और हर एक रो के अंदर 5 नंबर हमें प्रिंट करवा है। और अगर हम एक नंबर को एक कॉलम के तौर पर ट्रीट करें तो हमें 5 कॉलम चाहिए, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि हमें इस पैटर्न को 5x5 ग्रिड के अंदर प्रिंट करवानी है। और पैटर्न के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा था कि ग्रिड को कैसे प्रिंट करवाए, तो उसके लिए सबसे पहले हम एक फॉर लूप ले लेते हैं और उस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज के तौर पर लिखते हैं कि i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल्स टू 5 और i प्लस प्लस, जहां पे i और कुछ नहीं लेकिन रो की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके अंदर हम एक और फॉर लूप ले लेते हैं जहां पे हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन और इक्वल्स टू 5 और j प्लस प्लस, जहां पे j और कुछ नहीं लेकिन कॉलम की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। और j वाले फॉर लूप के अंदर हम एक प्रिंटएफ स्टेटमेंट लिखते हैं जिस प्रिंटएफ स्टेटमेंट की मदद से हम स्टार को प्रिंट करवाते हैं, यानी कि जब i की वैल्यू 1 होगी उस वक्त j का लूप 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा और वो हमें 5 स्टार प्रिंट करके देगा। और अभी अभी हमने देखा था कि एक रो के अंदर हमें मैक्सिमम 5 नंबर्स ही प्रिंट करवाने हैं, यानी कि ये 5 स्टार प्रिंट हो जाए उसके बाद हम हमारे कंट्रोल को नई लाइन में ले जाएंगे। तो जिसके लिए हम एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं और उस प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हम लिखते हैं कि स्लैश n, जो हमारे कंट्रोल को नई लाइन में ले जाएगा। अभी आई का लूप टोटल 5 बार एग्जीक्यूट होता है और वो हर बार जे के लूप को 5 टाइम एग्जीक्यूट करता है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि J का लूप टोटल 25 बार एग्जीक्यूट होता है और वो हमें 25 स्टार 5x5 ग्रिड के अंदर प्रिंट करके देगा। नाउ लूप के अंदर हमने दो वेरिएबल I और J का यूज किया है, तो वो दोनों वेरिएबल को हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर I एज वेल एज J, एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें 5x5 ग्रिड के अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट होके मिल रहे हैं जो कि परफेक्टली सही है, पर हमें स्टार की जगह पे नंबर्स प्रिंट करवाने हैं तो उसके लिए हमें पैटर्न को फिर से एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। सो अभी हमने देखा कि रो की वैल्यू हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉलम की वैल्यू हम जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हर एक आई की सभी जे की वैल्यू के लिए हमें कुछ ना कुछ नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। अभी हम पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो फर्स्ट रो का फर्स्ट नंबर 1 है, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 एंड उसके बाद 5 है, यानी कि यहां से स्टार्ट होके हमारी पैटर्न के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है। उसके बाद 6, 7, 8, 9 जो कि लास्ट कॉलम के अंदर है, उसके बाद लास्ट रो के अंदर डिक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यूज है, यानी कि लास्ट कॉलम में 9, उसके बाद 10, उसके बाद 11, उसके बाद 12 एंड उसके बाद 13 है, एंड उसके बाद फर्स्ट कॉलम के अंदर डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर वैल्यूज है जो कि 13, 14, 15 एंड 16 है। उसके बाद फिर से वही ऑर्डर में वैल्यूज प्रिंट हुई है, लेट अस से 17, 18, 19, उसके बाद 20, 21, उसके बाद 22, 23 एंड उसके बाद 24 एंड लास्ट में 25, यानी कि यहां पे हमारी पैटर्न 3 स्पाइरल बनाती है और हमें हर एक स्पाइरल वाइज अगर वैल्यूज को प्रिंट करवानी हो तो हम एक एरे का यूज करेंगे जिसमें पहला स्पाइरल यानी कि आउटर स्पाइरल होगा, उसके बाद वाला स्पाइरल यानी कि इनर स्पाइरल होगा एंड उसके बाद वाला स्पाइरल यानी कि 25 वाला स्पाइरल। यानी हम यहाँ पे कुछ ऐसा लिखेंगे कि हमारा एग्जीक्यूशन स्पाइरल 1 से स्टार्ट होगा, यानी कि हम कुछ ऐसा लिखते हैं कि i इज इक्वल्स टू 1 और 3 स्पाइरल तक वो जाएगा, यानी कि i लेस देन और इक्वल्स टू 3 एंड देन i प्लस प्लस। उसके बाद हम हर एक स्पाइरल की स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू को ऑब्जर्व करें तो स्पाइरल नंबर 1 के लिए स्टार्टिंग वैल्यू 1 है एंड एंडिंग वैल्यू 16 है, तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि स्टार्टिंग वैल्यू 1 एंड एंडिंग वैल्यू 16। उसके बाद स्पाइरल नंबर 2 के लिए स्टार्टिंग वैल्यू 17 एंड एंडिंग वैल्यू 24 है, तो वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 17 और 24। एंड स्पाइरल नंबर 3 के लिए स्टार्टिंग वैल्यू एंड एंडिंग वैल्यू सेम है, यानी कि उसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 25 एज वेल एज 25। यानी हमें हर एक स्पाइरल के लिए स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अभी हम स्टार्टिंग वैल्यू को ध्यान से देखें तो स्पाइरल नंबर 2 के लिए स्टार्टिंग वैल्यू 17 थी
और उसके आगे वाले स्पाइरल यानी कि स्पाइरल नंबर 1 के लिए एंडिंग वैल्यू 16 थी, सेम वे स्पाइरल नंबर 3 के लिए स्टार्टिंग वैल्यू 25 थी और उसके आगे वाले यानी कि स्पाइरल नंबर 2 की एंडिंग वैल्यू 24 थी। यानी कि हम ऐसा लग सकते हैं कि स्टार्टिंग वैल्यू हमारी जो भी है वो स्टार्टिंग वैल्यू हमारी एंडिंग वैल्यू प्लस 1 से स्टार्ट होती है। यानी अगर हमें स्पाइरल नंबर 1 की भी स्टार्टिंग वैल्यू को ऑब्जर्व करना है तो हमें इनिशियल एंडिंग वैल्यू 0 लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लूप के बाहर हम ले लेते हैं कि इनिशियल एंडिंग वैल्यू इज इक्वल्स टू 0, जो कि फर्स्ट टाइम इसके अंदर आएगा तो वो हमें 1 करके देगा, सेकेंड टाइम वो हमें 17 एंड थर्ड टाइम वो हमें 25 करके देगा। अभी एंडिंग वैल्यू को हम ऑब्जर्व करें तो फर्स्ट स्पाइरल के लिए हमारे पास 5 नंबर की ग्रिड है, यानी कि हम देख सकते हैं कि पहले 5 वैल्यूज, उसके बाद 4 वैल्यूज, उसके बाद 4 वैल्यूज एंड उसके बाद 3 वैल्यूज, यानी कि 5 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 3 जो कि हमारा कैलकुलेशन 16 ला के देगा। सेम वे सेकेंड स्पाइरल हमारा 3 नंबर का है, यानी कि हम उसके लिए ये चीज ऑब्जर्व करें तो फर्स्ट 3 वैल्यूज, उसके बाद 2 वैल्यूज, उसके बाद 2 वैल्यूज एंड उसके बाद 1 वैल्यूज, यानी कि हम उसके लिए लिख सकते हैं कि 3 2 2 1 इज इक्वल्स टू नथिंग बट 8। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारी ग्रिड की वैल्यूज है वो सबसे पहले 5 है, सेकेंड टाइम वो 3 होगी और थर्ड टाइम वो 1 होगी। यानी कि हम i के साथ साथ एक ग्रिड नाम का वेरिएबल लेते हैं और उस ग्रिड नाम की वैल्यू को हम 5 से स्टार्ट करते हैं और एक बार लूप का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाए उसके बाद हम ग्रिड की वैल्यू के अंदर 2 का डिक्रीमेंट करते हैं। अभी फर्स्ट केस में हमारी एंडिंग वैल्यू 16 है, यानी कि हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि EV इज नथिंग बट स्टार्टिंग वैल्यू प्लस हमारी जो ग्रिड का सम आया है वो, यानी कि 16, यानी कि अभी स्टार्टिंग वैल्यू 1 होगी, 1 प्लस 16 17 और उसके बाद -1। सेम वे सेकेंड बार अगर हम लूप के अंदर आएंगे उस वक्त स्टार्टिंग वैल्यू 17 होगी और उस वक्त सम हमारा 8 होगा, यानी कि ये जो वैल्यू है वो हमें डायनेमिक बनानी है। तो उसको भी हम डायनेमिक बनाने की कोशिश करें तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि जब ग्रिड की वैल्यू 5 है उस वक्त हमें 16 चाहिए और अगर हम इस 5 में से एक 1 को यहाँ पे ले जाए तो हमारे पास 4 4 का कॉम्बिनेशन होगा। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारी ग्रिड की वैल्यू है उसके -1 करें और उसके मल्टीपल में हम 4 को मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट टाइम 5 -1 यानी कि 4 एंड 4 × 4 जो कि हमें 16 देगा। सेकेंड टाइम हमारे पास ग्रिड की वैल्यू 1 होगी, यानी कि उस टाइम हम ऐसा कर सकते हैं कि 3 - 1 यानी कि 2 एंड 2 × 4 जो कि हमें 8 देगा और हमें 8 वैल्यू ही चाहिए। यानी कि हम ये इक्वेशन यहाँ पे रख दे तो हमारा काम हो सकता है। नाउ हम एक दूसरा फॉर लूप लेते हैं जो कि हमारे पहले फॉर लूप यानी कि आई वाले फॉर लूप के अंदर लेंगे, जहां पे हम जे की वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू से स्टार्ट करेंगे और एंडिंग वैल्यू तक जाएंगे, यानी कि जे इज इक्वल्स टू एस वी, जे लेस देन और इक्वल्स टू ई वी, और हर बार हम जे की वैल्यू में एक एक का इंक्रीमेंट करेंगे यानी कि जे प्लस प्लस। अभी हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो हमारी फर्स्ट नंबर की वैल्यू है यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू, वो फर्स्ट केस में यानी कि फर्स्ट स्पाइरल के लिए 1 1 से स्टार्ट होगी, सेकेंड स्पाइरल के लिए वो 2 2 से स्टार्ट होगी, थर्ड स्पाइरल के लिए वो 3 3 से स्टार्ट होगी। यानी कि हम सिंपली यहाँ पे कुछ रो की वैल्यू लेते हैं कि रो इज इक्वल्स टू जो भी हमारी i की वैल्यू है वो, एंड कॉलम इज इक्वल्स टू वो भी हमारी i की वैल्यू है वो। अभी ये सारे नंबर्स को हमें एरे के अंदर स्टोर करवाना है, यानी कि जब हम एरे का यूज करेंगे तो सबसे पहला एलिमेंट 0 0 नंबर की पोजीशन पे आएगा, यानी कि रो की जो भी वैल्यू है उसको हम i-1 और कॉलम की जो भी वैल्यू है वो भी i-1 से इंडिकेट कर देते हैं। एंड उसके बाद हम यहाँ पे सिंपली एरे के अंदर वो लिखते हैं कि जो भी रो की वैल्यू है वो एंड कॉलम की वैल्यू है वो
उसके अंदर हम j की वैल्यू को पुट अप कर देते हैं। यानी फर्स्ट केस के अंदर हमारे पास रो की वैल्यू 0 होगी, कॉलम की वैल्यू 0 होगी और j की वैल्यू 1 होगी। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि a 0 0 की वैल्यू 1 होगी, जो कि परफेक्टली सही है। नेक्स्ट हमारी j की वैल्यू 2 होगी और 2 हमें कहां पे प्रिंट करवाना है, तो 2 हमें प्रिंट करवाना है रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2। यानी कि हम एरे के इंडेक्स के बारे में बात करें तो रो नंबर 0 एंड कॉलम नंबर 1 के अंदर प्रिंट करवाना है। यानी कि जो भी हमारी कॉलम की वैल्यू है उसके अंदर हमें इंक्रीमेंट करना है। तो हम यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं कि C++। उसके बाद थर्ड नंबर हमें 0 नंबर की रो, सेकेंड नंबर की कॉलम, फोर्थ नंबर हमें 0 नंबर की रो, थर्ड नंबर की कॉलम एंड फिफ्थ नंबर हमें 0 नंबर की रो एंड फोर्थ नंबर की कॉलम में प्रिंट करवाना है। यानी कि वहां तक हमारा C++ परफेक्टली काम करेगा। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारी स्टार्टिंग वैल्यू +4 तक हमारा लॉजिक परफेक्टली काम करेगा। यानी हम सिंपली यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि जब तक हमारी j की वैल्यू हमारी स्टार्टिंग वैल्यू +4 या 4 से कम हो, तब तक हमें c की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट करना है। उसके बाद नेक्स्ट 4 वैल्यूज को हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो उसके अंदर हमारी कॉलम की वैल्यू एज इट इज है, यानी कि 4 नंबर की कॉलम ही है, लेकिन रो की वैल्यू में हमें एक एक इंक्रीमेंट करना है, जो कि फर्स्ट केस में 1, सेकेंड केस में 2, थर्ड केस में 3, फोर्थ केस में 4 होगा। यानी कि हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि अगर फर्स्ट वाली कंडीशन गलत होती है तो उसके बाद हम चेक करते हैं कि हमारी जो जे की वैल्यू है वो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू प्लस ये 4 वैल्यूज एंड ये 4 वैल्यूज यानी कि 8 के बराबर हो, तब तक हमें रो की वैल्यू में एक एक इंक्रीमेंट करना है। उसके बाद वाले नेक्स्ट 4 वैल्यूज को हम ऑब्जर्व करें तो उस वक्त हमारे पास रो की वैल्यू फिक्स है, लेकिन कॉलम की वैल्यू में हम एक एक का डिक्रीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें 10 स्टोर करवाना है, उसके बाद 11, उसके बाद 12 एंड उसके बाद 13। यानी कि हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि अगर हमारी जे की वैल्यू जो कि हमारी स्टार्टिंग वैल्यू है उससे 4 ये, 4 ये और 4 ये यानी कि टोटल 12 पोजीशन तक हो, तब तक हमें कॉलम की वैल्यू के अंदर डिक्रीमेंट करना है। एंड उसके बाद वाला केस यानी कि ये 3 वैल्यूज के लिए हमें रो की वैल्यू में डिक्रीमेंट करना है, यानी कि 14, 15 एंड 16 को स्टोर करवाने के लिए। यानी सिंपली हम लिख देते हैं कि R --। अभी जब हम सेकेंड टाइम लूप के अंदर आएंगे तब हमारी स्टार्टिंग वैल्यू 17 होगी, लेकिन उस वक्त यहाँ पे हमें स्टार्टिंग वैल्यू +2, यहाँ पे भी स्टार्टिंग वैल्यू +2 +2 यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू +4, यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू +2 +2 +2 यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू +6 तक जाना है। यानी कि इस वैल्यू को हम ऐसा कह सकते हैं कि स्पाइरल नंबर 2 के लिए हमें 2 का इंक्रीमेंट, यहाँ पे हम 4 और यहाँ पे हम 6 लेंगे। अभी फर्स्ट स्पाइरल के लिए हमें 4 प्रिंट करवाना है और 4 और कुछ नहीं है, लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि उस वक्त हमारे ग्रिड की वैल्यू 5 है। तो हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि अगर ग्रिड -1 तो 4 परफेक्टली वैलिड है। उसके बाद ग्रिड -1 × 2 करे तो वो 8 देगा, तो भी वो परफेक्टली वैलिड है। एंड उसके बाद ग्रीड -1 × 3 करे तो वो हमें 12 देगा, जो भी परफेक्टली वैलिड है। जब हम सेकेंड स्पाइरल के लिए लूप के अंदर आएंगे उस वक्त हमारे पास ग्रिड की वैल्यू 3 होगी, क्योंकि हमने हर बार ग्रिड की वैल्यू में 2 का डिक्रीमेंट करते हैं। तो उस वक्त अगर हम ग्रिड -1 को फाइंड करें तो वो हमें 2 देगा, जो कि परफेक्टली वैलिड है। उसके बाद ग्रिड -1 यानी कि 2 × 2 तो हमें 4 देगा, जो भी हमें प्रिंट होके मिल जाता है। एंड उसके बाद ग्रिड -1 × 3 यानी कि 2 × 3 जो कि 6 देगा। यानी कि यहाँ पे हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि 4 की जगह पे ग्रिड -1, यहाँ पे ग्रिड -1 × 2 और यहाँ पे ग्रिड -1 × 3। और उसके साथ साथ हमें sv की वैल्यू को तो ऐड करना ही है। यानी अब हमारे एरे के अंदर सभी वैल्यू परफेक्टली स्टोर होके मिल जाएगी। नाउ
लूप के अंदर हमने दो फॉर लूप लिखे थे, जिसमें से पहला फॉर लूप आई यानी कि रो के लिए था और दूसरा फॉर लूप जे यानी कि कॉलम के लिए था। और दूसरे फॉर लूप के अंदर हमने एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखा था, जिस प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर हमने स्टार को प्रिंट करवाया था। लेकिन अभी अभी हमने देखा कि हमें स्टार को प्रिंट नहीं करवाना है, क्योंकि हमें कुछ नंबर्स प्रिंट करवाने हैं और वो नंबर्स हमने एरे के अंदर स्टोर किए हैं। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि हमें यहाँ पे और कुछ नहीं लेकिन a ऑफ ij की वैल्यू को प्रिंट करवाना है। लेकिन अगर हम a ऑफ ij की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो फर्स्ट केस में a11 की वैल्यू जो प्रिंट होके मिलेगी वो 1 नहीं प्रिंट होके मिलेगी, क्योंकि एरे की इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है और यहाँ पे भी एरे की इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है। यानी कि हम सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं कि i-1 एंड j-1 की वैल्यू को हम प्रिंट करवाएंगे तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न मिल सकती है। तो लेट अस से उसको भी हम एक बार चेक करके देख लेते हैं। सो अभी हमने देखा कि j वाले फॉर लूप के अंदर जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखा है, उस प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर हमें स्टार की जगह पे कुछ नंबर्स प्रिंट करवाने हैं और वो नंबर की वैल्यू हम a ऑफ i-1 एज वेल एज j-1 से रिप्लेस कर रहे हैं। एंड अगर हम नंबर को ध्यान से देखें तो हमें एक नंबर के बाद कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करनी है, यानी कि हम सिंपली यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं कि परसेंटेज डी की जगह पे परसेंटेज 3d तो हमारा काम हो सकता है। अभी ये जो एरे की वैल्यू हमने यहाँ पे प्रिंट करवाई है, उस एरे की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमने एक लॉजिक लिखा था और वो लॉजिक को हम यहाँ पे लिख देते हैं। लेट अस से एक फॉर लूप, और उस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते थे कि i=1 एज वेल एज i<= 3 और i++, और उसके साथ साथ हमें ग्रिड की वैल्यू भी डिफाइन करनी थी। तो ग्रिड की वैल्यू हमने यहाँ पे ले ली, ग्रिड इज इक्वल्स टू 5, और हर एक बार ग्रिड की वैल्यू में हमें 2 का डिक्रीमेंट करना है, यानी कि ग्रिड इज इक्वल्स टू ग्रिड -2। उसके साथ साथ हमें एंडिंग वैल्यू 0 रखनी थी, एंड लूप के अंदर हमने लिखा था कि स्टार्टिंग वैल्यू इज इक्वल्स टू एंडिंग वैल्यू +1, एंडिंग वैल्यू इज नथिंग बट स्टार्टिंग वैल्यू प्लस ग्रीड -1 × 4 -1, एंड उसके बाद रो एंड कॉलम की वैल्यू यानी कि r इज इक्वल्स टू c इज इक्वल्स टू i-1 डिक्लेयर करना था। उसके बाद हमने एक और फॉर लूप लिखा था, जिस फॉर लूप के अंदर हमने मैसेज के तौर पे लिखा था j इज इक्वल्स टू स्टार्टिंग वैल्यू, j लेस देन और इक्वल्स टू एंडिंग वैल्यू और j++, एंड फिर उसके अंदर हमने a ऑफ रो एज वेल एज कॉलम की वैल्यू को डिफाइन किया था j की वैल्यू के साथ। उसके बाद हमने चेक किया था कि अगर j की वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू प्लस ग्रीड -1 से छोटी है तब हमें कॉलम की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट करना था, अदरवाइज हम चेक करते थे कि j की वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू प्लस ग्रीड -1 × 2 से छोटी है तब हम रो की वैल्यू में इंक्रीमेंट करते थे, अदरवाइज हम चेक करते थे कि j की वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू प्लस ग्रीड -1 × 3 से छोटी है तब हम कॉलम की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट करते थे, एंड अगर ये तीनों में से एक भी कंडीशन सही नहीं है तब हम रो की वैल्यू में एक डिक्रीमेंट करते हैं। अभी लूप के अंदर हमने जितने भी वेरिएबल को यूज किया है वो सारे वेरिएबल को हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं। लेट अस से स्टार्टिंग वैल्यू sv, एंडिंग वैल्यू ev, ग्रिड नाम का एक वेरिएबल, रो एज वेल एज कॉलम एंड एरे 5x5 का, एंड फिर प्रोग्राम को हम टेस्ट कर देते हैं। तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न प्रिंट होके मिल रही है, लेकिन रो नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 3 की वैल्यू 25 की जगह पे 0 मिल रही है, जो कि गलत है। तो उसके लिए हमें स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू को फिर से एक बार ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब हम तीसरी बार लूप के अंदर आएंगे उस वक्त आई की वैल्यू 3 होगी एज वेल एज ग्रीड की वैल्यू 1 होगी। उसके साथ साथ पिछली बार की जो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू थी वो थी 17 और एंडिंग वैल्यू थी 24। नाउ इस केस में अगर हम फिर से स्टार्टिंग वैल्यू को ऑब्जर्व करें तो स्टार्टिंग वैल्यू हमारी और कुछ नहीं लेकिन
एंडिंग वैल्यू प्लस 1 यानी कि 25 हो जाएगी, जो कि परफेक्टली सही है। और एंडिंग वैल्यू को ऑब्जर्व करें तो एंडिंग वैल्यू और कुछ नहीं लेकिन स्टार्टिंग वैल्यू जो कि 25 है प्लस ग्रीड माइनस 1, यानी कि ग्रीड की वैल्यू अभी 1 है तो 1 माइनस 1 0 होगा और 0 इंटू 4 हमें 0 देगा, यानी कि 25 माइनस 1 जो कि 24 होगा। यानी हमारे इस लूप का एग्जीक्यूशन होगा ही नहीं, जो कि गलत है। यानी हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि अगर ग्रीड की वैल्यू 1 है उस वक्त हमें स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू को सेम रखना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपल सा एक लॉजिक लिख देते हैं, लेट अस से ग्रीड की वैल्यू अगर 1 है तब हमें एंडिंग वैल्यू और स्टार्टिंग वैल्यू सेम रखना है, अदरवाइज हमें एंडिंग वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू प्लस ग्रीड माइनस 1 इंटू 4 माइनस 1 के बराबर रखनी है। एंड उसके बाद अगर हम हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें हमारे डिजायर पैटर्न मिल सकते हैं। तो लेट अस से उसको भी हम एक बार चेक करके देख लेते हैं। तो अभी हमें हमारे डिजायर पैटर्न 5x5 ग्रिड के अंदर प्रिंट होके मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। अभी इसी पैटर्न को हमें n रोज के लिए प्रिंट करवाना हो तो हमें एक इंटीजर वेरिएबल n की जरूरत पड़ेगी, तो उसको हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं लेट अस से इंटीजर n, और उसकी वैल्यू हम यूजर के पास से लेंगे, जिसके लिए हमें scanf स्टेटमेंट के अंदर लिखना पड़ेगा कि % d एड्रेस ऑफ n, एंड scanf के ऊपर हम एक printf स्टेटमेंट लिखते हैं, जिस printf स्टेटमेंट के अंदर मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि एंटर n। उसके बाद हमारी जो ग्रिड की वैल्यू 5 है उसको भी हम n से डिक्लेयर कर देते हैं, एज वेल एज नीचे जो हमने i लेस देन और इक्वल्स टू 5 लिखा है उसको भी हम n कर देते हैं, और j लेस देन और इक्वल्स टू 5 लिखा है उसको भी हम n कर देते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो हमने i लेस देन और इक्वल्स टू 3 लिखा है, जो कि हमारे 3 स्पाइरल के लिए लिखा है, क्योंकि जब 5x5 वाली पैटर्न थी उसके अंदर हमें 3 स्पाइरल मिल रहे थे। तो अगर हम फिर से एक बार चेक करें कि जब n की वैल्यू 1 होगी उस वक्त हमें सिर्फ एक ही नंबर प्रिंट करवाना है, वो है 1, यानी कि यहाँ पे हमारे पास स्पाइरल की वैल्यू 1 है। जब n की वैल्यू 2 होगी उस वक्त हमें हमारी पैटर्न कुछ ऐसी होगी कि 1, 2 एंड 4, 3, यानी कि यहाँ पे भी हमारे पास एक ही स्पाइरल है। उसके बाद अगर n की वैल्यू 3 होगी उस वक्त हमारी पैटर्न कुछ ऐसी होगी कि 1, 2, 3, 8, 9, 4 एंड 7, 6, 5, यानी कि यहाँ पे हमने 2 स्पाइरल चाहिए। अब जब n की वैल्यू 4 होगी तब हमारे पास पैटर्न कुछ ऐसी होगी 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 5, 11, 16, 15, 6, 10, 9, 8 एंड 7, यानी कि यहाँ पे भी हमें 2 स्पाइरल की जरूरत पड़ेगी। एंड n इज इक्वल्स टू 5 के लिए हमने अभी देखा कि हमें 3 स्पाइरल की जरूरत पड़ती है, यानी हम सिंपली ऐसा लिखे कि जब n की वैल्यू 1 एंड 2 होगी उस वक्त हमें 1 स्पाइरल की जरूरत पड़ती है, n की वैल्यू 3 एंड 4 होगी उस वक्त हमें 2 स्पाइरल की जरूरत पड़ती है, n इज इक्वल्स टू 5 के लिए हमें 3 स्पाइरल की जरूरत पड़ती है। यानी हम सिंपली ऐसा लिखे कि अगर हमारे पास जो हमारी n की वैल्यू है उसके अंदर अगर हम 1 ऐड करें एंड फिर जो भी हमारे पास रिजल्ट आता है उसको हम 2 से डिवाइड करें, तो जब n की वैल्यू 1 होगी तो 1 + 1/2 जो कि हमें 1 देगा, एंड 2 + 1/2 यानी कि 1.5 देगा, लेकिन इंटीजर वैल्यू को कंसिडर करें तो वो हमें 1 ही देगा। सेम वे 3 + 1/2 हमें 2 देगा, एंड 4 + 1/2 हमें 2.5 देगा, और अगर हम इंटीजर वैल्यू को कंसिडर करें वो तो हमें 2 ही देगा, एंड लास्ट में 5 + 1/2 जो कि हमें 3 देगा। यानी कि हम सिंपली ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे 3 की जगह पे कॉमनली इक्वेशन लिखना चाहे तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि n + 1/2, एंड उसके बाद अगर हम हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें हमारे डिजायर पैटर्न मिल सकती है। अभी हमारे पास जो एरे हमने डिक्लेयर किया है वो 5x5 का एरे ही डिक्लेयर किया है, यानी कि अगर हम 5x5 मैट्रिक्स से ज्यादा वाली ग्रिड को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो प्रिंट नहीं होगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपल सा एक वेरिएबल ले लेते हैं n, और यहाँ पे भी हम ले लेते हैं n, और n की वैल्यू हम ऊपर कांस्टेंट के तौर पे डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से हैज डिफाइंड n और 10, यानी कि अब हम मैक्सिमम 10x10 ग्रिड के लिए इस पैटर्न को प्रिंट करवा सकते हैं।
तो लेट अस से उसको भी हम एक बार चेक करके देख लेते हैं। अभी मैं इनकी वैल्यू 5 इंसर्ट कर रहा हूं तो हमें हमारे डिजायर पैटर्न 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर प्रिंट होके मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। एक और बार प्रोग्राम को टेस्ट करता हूं जहां पे मैं एन की वैल्यू 9 इंसर्ट कर रहा हूं तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर प्रिंट होके मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। एक और बार प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं जहां पे मैं एन की वैल्यू इवन इंसर्ट करता हूं, लेट अस से 4, तो हमें हमारे डिजायर पैटर्न 4 क्रॉस 4 ग्रिड के अंदर प्रिंट होके मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम पैटर्न नंबर 77 को मैक्सिमम 10 रोज के लिए इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।